नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ देश के सभी बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। बोर्ड एग्जाम को लेकर सरकार की तरफ से दोस्तों बड़ा फैसला है, वो आपके लिए आने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, किन किन बोर्ड ने जो है टेंथ वाले स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है, सबसे बड़े बोर्ड का जो है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर क्या कहना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी, एमपी, राजस्थान या फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी कैंडिडेट हो, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वाली है, लाखों करोड़ों छात्रों के लिए दोस्तों जल्द ही विजय आने वाले है। क्या अपडेट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, भोपाल की तरफ से अपडेट आ रही है, यानी एमपी की तरफ से माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री कई बार बयान दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी में दसवीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई ने जब से परीक्षाएं रद्द की हैं दोस्तों, सभी राज्य अपनी बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने में लग गए हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो दोस्तों यूपी में भी प्रोसेस है, वो चल रही है। यूपी में भी आपकी बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल की जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी में दोस्तों 56 लाख स्टूडेंट हैं दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम्स देंगे। तो ऐसे में उनको संख्या को देखते हुए दोस्तों और कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रमोट किया जाएगा। यूपी के शिक्षा मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर जो है देश के सबसे बड़े बोर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। देश के सबसे बड़े बोर्ड के जो है परीक्षाओं को लेकर दोस्तों, आपको सबको पता होगा सबसे बड़ा बोर्ड है वो है सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स रद्द होंगी। अब सीबीएसई ने 10th की परीक्षा रद्द कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 12th की रद्द जो है परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर भी स्टूडेंट मांग कर रहे थे, इसको लेकर निर्णय है वो जून में आएगा। हालांकि बोर्ड जून में कोरोना वायरस की स्थिति और जो है समीक्षा करेगा, उसके बाद दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स का फैसला लेगा। लेकिन सीबीएसई के एक अधिकारी ने एक प्रमुख पोर्टल से बात करते हुए संकेत दिया है कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो दसवीं के मूल्यांकन की योजना का पालन किया जाएगा, यानी कि दसवीं की तरह बारहवीं वाले स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाएगा, जिस प्रकार से दसवीं स्टूडेंट को पास किया गया है, ऐसा दोस्तों यानी उन्होंने बयान दिया है। इसको लेकर दोस्तों जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबसे अपील की है कि जितना हो सके टेंथ वाले स्टूडेंट को सबको प्रमोट किया जाए और दसवीं की परीक्षा जो है कोरोना की जो है परिस्थितियां ठीक होती हैं तब ली जाए, बाकी जब 12th की परीक्षाएं और दसवीं परीक्षाओं को यहाँ पर कैंसिल किया जाए। और 12th की परीक्षा यहाँ पर दोस्तों जुलाई में अब आयोजित हो सकती हैं, जून में टाइम टेबल आ सकता है। हालांकि अभी भी फिक्स नहीं है, सब कुछ कोरोना पर डिपेंड करता है। अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है तो दोस्तों आपकी जो 12th की परीक्षाएं हैं वो भी कैंसिल हो सकती हैं। कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षाएं केवल जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं। अगर दोस्तों जुलाई में जो है कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं तो वो भी कैंसिल हो सकती हैं। सीबीएसई कक्षा 12th बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने के लिए 1 जून को सरकार और शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, केंद्र सरकार की बैठक होगी। इसके बाद दोस्तों इस पर फैसला लिया जाएगा कि आपकी एग्जाम कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी। और वहीं एक बड़ा वर्ग यानी कि एक बड़ा जो है कमिटी जो स्टूडेंट है वो मांग कर रहे हैं कि बारहवीं को भी दसवीं की तरह पास किया जाना चाहिए। इसको लेकर मंत्रालय इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से परामर्श करने का, और इसी के साथ दोस्तों हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई दी गई है स्टूडेंट के द्वारा कोरोना की वैक्सीन को लेकर, कि जब तक कोरोना की सभी स्टूडेंट को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक किसी स्टूडेंट से एग्जाम नहीं लिए जाएँ। आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे जो भी कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, चाहे किसी भी राज्य से हो, आपको चैनल पर मिलती रहेगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं यूपी में भी 10th वाले स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा, एमपी में भी किया जाएगा, और राजस्थान में दोस्तों 17 मई को फैसला आएगा कि प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि 17 काफ़ी लेट हो चुका है, अब तक अगली क्लास की जो है तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती थी। इसी के साथ दोस्तों गोवा, महाराष्ट्र में भी दोस्तों प्रमोट करने की तैयारी है, हरियाणा में भी प्रमोट कर दिया है। तो दोस्तों जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।